सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत 14वें दिन की प्रभात फेरी सेठ हुकम चंद कॉलोनी में से निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए आरती के साथ सम्पन्न हुई। इस दौरान पूर्व विधायक केडी भंडारी, डॉक्टर सतीश शर्मा सहित सभी इलाकावासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हरि बोल 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 आज उच्च
स्वामी जी चिंतित है, जैसे एक माँ बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होती है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, माता पिता चिंतित होते हो, वैसे ही जगत में संत जगत के कल्याण के लिए चिंतित होते हैं कि आज हमारा जगत किस ओर जा रहा है। जय श्री राम। ऐसी मंगलमय कामना करने वाले हमारे पूर्वज थे जिनके हम वंश हैं, जो सनातन परंपरा महान परंपरा है जिसने सारे विश्व को आपसी सद्भाव प्रेम का संदेश दिया है, जिसने शल कपटी किया है, कुछ और भी कई तरह के षड्यंत्र करके राजसुता आसन पद अधिकार प्राप्त नहीं किए, अपने मंगलमय शुभ भावना के कारण हमारे ऋषि मुनि विश्व गुरु के गौरव को प्राप्त किए, उन्हीं के हम वंशज हैं। वर्तमान समय में जो देश राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, वो क्यों है, क्या कारण है, आप हम सब जानते हैं। समय का बहुत अभाव है क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं। बाकी जो विशेष रूप से विचार वर्तमान समय की जो विकट परिस्थिति में आप हम सब ने क्या करना है, कैसे हमारे देश राष्ट्र का वर्चस्व हो, भारत माता का वर्चस्व हो, गौ माता की सेवा रक्षा हो, इन्हीं पवित्र भावों को लेकर के माँ भगवती ब्रह्मा जिंतम्बा त्रिपुर मांगी देवी तालाब मंदिर जलंधर में 40 दिवसीय भगवत राजन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का पावन जयंती महामहोत्सव 19 जुलाई से 27 अगस्त तक हो रहा है। पहले भी इस मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे प्रमोद जी का सब आए थे और उस समय भी यही भाव रखा था कि जब जब भी कोई सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर ऐसे कठिन समय आए तो हमारे गुरुजी ने भगवत राधना मंत्र राधना के पास से देश हमारे राष्ट्र भारत माता की रक्षा करी है।